रतलाम में आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो कुछ कम हुई है, और ये सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। लोगों ने भी सहयोग किया है, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसे संतोषजनक कहा जा सके। वर्तमान में 150 से 200 केस के बीच प्रतिदिन निकल रहे हैं, जो 12-13% है। जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 जून से लॉकडाउन वहीं खुलेगा जहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत कम होंगे, अर्थात सिंगल डिजिट में होंगे। रतलाम उस स्थिति से काफ़ी दूर है, इसलिए मेरा अनुरोध सबसे है शहरवासियों से कि 10 दिन आप घर से मत निकलें। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई भी काम हो आप घर से ना निकलें। अगर आप चाहते हैं कि 1 जून से लगातार आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो, सब कुछ ठीक ठाक चले, तो आपको अगले 10 दिनों तक तो बहुत सख्ती रखनी पड़ेगी। और हम लोग भी शहर में अगले 10 दिनों में सख्ती शुरू करने जा रहे हैं। अनावश्यक बिना पास के लोगों का निकलना बंद होगा। पास की एक नई व्यवस्था हम कल परसों से लागू कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपका डाउनलोड आपके मोबाइल में होगा, और वो जो जो वैध पास धारी इलेक्ट्रॉनिक पास है वही शहर में जा सकेंगे, उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं जा सकेगा। इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। लक्ष्य एक ही है कि कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़े, और जिसके बाद आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो निर्बाध रूप से नॉर्मली जैसे लाइफ चलती है वैसे चल सके, रोजगार व्यापार भी चल सके, और ये तभी संभव है जब कोरोना के केसेस कम हों। कोरोना कर्फ्यू अभी प्रभावशील है, इसमें लगातार कार्रवाई हम लोग द्वारा की जा रही है, लेकिन मेरी फिर भी जनता से अपील है कि जो गंभीरता जनता की तरफ से आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं देखने में कमी मिल रही है। अभी हम लोग लगातार शहर का भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जब लोगों को मालूम है कि सब्जी या फल फ्रूट जो है वो होम डिलीवरी के माध्यम से ही मंगाया जा सकता है, उसके बावजूद भी लोग जो ठेला लेके या सिर पे लेकर सब्जी बेच रहे हैं उनको एंटरटेन कर रहे हैं, जिस कारण से ये इन लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है और ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं जहाँ लोग घर घर जाकर सब्जी बेच रहे हैं। एक तो ये समस्या है, दूसरा हम लोग कॉमन देख रहे हैं कि शाम के टाइम पर या अर्ली मॉर्निंग लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के नाम पर, शाम को खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक के नाम पर गलियों में मोहल्लों में सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके अलावा एक तबका और भी है, युवा वर्ग के लोग जो हैं ये हॉस्पिटल जाने के नाम पर अटेंडर के नाम पर भी अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसको देखकर समस्या आ रही है। तीसरा एक पक्ष और भी हम लोगों ने महसूस किया है कि जो बहुत सारे लोग शासकीय कार्यालयों में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो पास मिला है उनको छूट मिली है, वो घर से ऑफिस जाने के लिए मिली है, ना कि उस पास के बेसिस पर वो चांदनी चौक और हर जगह बाज़ार में घूमते रहे। इन चीज़ों को लेकर हम लोगों ने डिसाइड किया, अब हम आज से सख्ती कर रहे हैं, इस पर जो भी इस तरह के लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खासतौर से जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर लोग निकल रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ़ न सिर्फ 188 के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे बल्कि उनको ओपन जेल में भेजा जाएगा। साथ ही साथ शासकीय कार्यालय के जो लोग हैं उनको पास जिस काम के मिला है सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा, अन्यथा उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध होगा, तो उनको फिर अपनी शासकीय सेवा में भी तकलीफ़ आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को हम लोग समझें। पिछले 2 सप्ताह से अगर हम देखें तो जो भी प्रयास किए गए हैं प्रशासन की तरफ से उसके बहुत सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। जहां हम लोग के ज़िले में पॉजिटिविटी 25% से लेकर 32% हुआ करती थी, वो आज के डेट में 10% तक पहुंच चुकी है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जनता को ही जाता है कि जनता ने इसमें सहयोग किया है, लेकिन अभी भी हम लोग देखें पूरे मध्य प्रदेश में तो बहुत ऊपर है। इसमें अगला जो 10 दिन है ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बार बार इस तरह के मैसेज हम लोगों के पास आते हैं कि व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, हम लोग भी चाहते हैं कि इससे निजात मिले और चीज़ें खोली जाएं। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग अपने जो पॉजिटिव केसेस हैं पर डे, जो पॉजिटिव केसेस अभी आज के डेट में 150 के आसपास आ रहे हैं, ये सिंगल डिजिट में आ जाए, मतलब 2, 4, 5 केसेस आने लगे, तो ज़रूर हम लोग पूरा जिला फिर खोल पाएंगे और लोग फिर जनजीवन सामान्य रूप से चलना स्टार्ट होगा। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम खुद, हर जनता खुद इस चीज़ की गंभीरता को समझे और अपने घरों के अंदर रहे, घर के बाहर अनावश्यक न निकले। इसमें खास तौर से मैं युवा वर्ग को ज़रूर इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि इसकी गंभीरता को समझें, क्योंकि अनावश्यक कई बार लोगों को देख रहे हैं हम लोग तो गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, मैदानों में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें हम पुलिस को या प्रशासन को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, और इन्हीं के कारण चीज़ें और एक्सटेंड होती जा रही हैं। जो कोरोना कर्फ्यू है बार बार बढ़ाया जा रहा है डेट, तब जब अब ये वक्त आ गया है कि हम सभी इस चीज़ की गंभीरता को समझें और इसका कड़ाई से पालन करें, घर के बाहर स्वयं भी ना निकलें और अपने आस पड़ोस में कोई निकलता है तो उसको भी इससे हतोत्साहित करें और घर के बाहर ना निकलने दें, तो ज़रूर हम लोग इस पे जीत हासिल कर लेंगे और फिर चीज़ें जनजीवन सामान्य रूप से स्टार्ट हो जाएगा।